अब रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड के गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री यतीश्वर आनंद ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चुनाव में पार्टी के चेहरे को लेकर कहा कि 2022 का चुनाव सीएम पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। इस मामले में जब उन्हें यह याद दिलाया गया कि पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव सीएम के चेहरे पर नहीं बल्कि पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ा जाएगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि चुनाव चिन्ह तो होता ही है लेकिन चेहरा भी जरूरी है और वो चेहरा सीएम धामी का है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में सरकार टॉप गियर है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा काम सरकार 4 माह में पूरा करेगी। साथ ही ये भी कहा कि पिछले मुख्यमंत्रियों के समय में भी विकास कार्यों की गति तेज रही है। लक्सर से जसवीर सिंह की रिपोर्ट। हमारे प्रदेश के अंदर रहने वाली जनता है, सब में बड़ी खुशी की लहर है और 2022 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और केंद्र का आशीर्वाद लेकर यहाँ पर चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। 2022 के अंदर भारी बहुमत के साथ माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उन्हें उत्तराखंड के अंदर सरकार बनेगी। जैसा कि आपने कहा कि 4 महीने में आप 5 साल का काम कर सकते हैं, मैं समझता हूँ पिछले जो हमारे मुख्यमंत्री थे माननीय त्रिवेंद्र जी, उन्होंने भी अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया है। 3 महीने का जो हमारा तीरथ सिंह जी का कार्यकाल था, उन्होंने भी 3 महीने में बहुत ऐतिहासिक काम किए हैं और 1 महीने से ज़्यादा इस समय माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को होने जा रहा है। उन्होंने भी 10-12 निर्णय प्रदेश के युवाओं के हित में, माताओं के हित में, बेरोजगारों के हित में अच्छे अच्छे निर्णय लिए हैं, तो निश्चित रूप से इस समय प्रदेश के अंदर भारी उत्साह का माहौल है और 2022 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तराखंड के लिए।